हाँ जी, CA इंटर ग्रुप टू वाले बच्चों के लिए, जो कि पेपर इस बार आपको स्ट्रेटजी बता रहा हूँ वो है फाइनेंशियल मैनेजमेंट की, और सब कुछ आप इसके ऊपर देख सकते हैं। मई 2024 का जो पेपर था बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट और ट्रिकी था, और आई होप मेजोरिटी बच्चे, जितनी मेरी बच्चों से बात हुई है उतने बच्चे ऐसा मानते हैं कि पेपर नेगेटिव गया था और आपका रिजल्ट नेगेटिव आया होगा। और अब आप ये सेप्टेम्बर अटैम्प्ट 2024 में अपीयर कर रहे होंगे। पेपर बड़ा अनरियलिस्टिक सा बनाया था उन्होंने, MCQ में भी और डिस्क्रिप्टिव में भी कुछ पॉइंट्स ऐसे डाले थे। अब तक के फाइनेंशियल मैनेजमेंट के पेपर पे एनालिसिस कैसे रहते थे, अब वो बहुत ज्यादा रिलेवेंट नहीं रह गए हैं। मई 2024 का पेपर पैटर्न क्या था और कैसे आप एक फुल फ्लेज टॉपिक वाइज तैयारी कर सकते हैं, उस बारे में बात करूंगा। और अगर आपका मई 2024 में पेपर नेगेटिव रहा है या फिर आप फर्स्ट टाइम प्रिपेयर कर रहे हैं सितंबर 2024 में, दोनों ही केसेस में अगर आपका नेगेटिव पेपर रहा है तो मैं आपको एक सजेशन दूंगा और आपका उससे काफी ज्यादा बेनिफिट होने वाला है। यह है एक नंबर, मैं नंबर यहां पर लिख देता हूं। जिन भी बच्चों का मई 2024 में नेगेटिव पेपर रहा है, आप यकीन मानिएगा, आप मैसेज करके देखिएगा एक बार, मैं आपको काफी सारी चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करा दूंगा इंपॉर्टेंट चैप्टर के साथ। तो नंबर है 9993999446। आप उस नंबर पर, और वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा क्योंकि मैं बताऊंगा कि इस बार प्रिपरेशन कैसे करनी है। नेम अपना लिखिएगा, कोर्स अपना लिखिएगा, CA इंटर ग्रुप टू, उसके बाद स्टेट आप कहां से हैं, और क्वेरी मतलब यहां पर लिख दीजिएगा कि आप ग्रुप टू के फाइनेंशियल मैनेजमेंट लिख दीजिएगा, और प्लस आपने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है और आपने वीडियो को लाइक किया और वीडियो पर आपका कमेंट होना चाहिए। इन तीन चीजों का स्क्रीनशॉट आप भेज दीजिएगा और आपको काफी सारे फास्ट ट्रैक के इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के क्वेश्चंस वाली वीडियोस मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करा दूंगा। तो वीडियो को पूरा देखेगा, आई होप वीडियो आपको पसंद आएगी, वीडियो को लाइक जरूर करेगा। वीडियो का लाइक टारगेट रखते हैं 100, और जितने भी बच्चों का नेगेटिव रिजल्ट आया है मई 2024 में, मैं आपको गारंटी दिलाता हूं कि पेपर में एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं आएगा जो आपको नहीं आता होगा इस बार सितंबर 2024 में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला पॉइंट जो आता है वो ये आता है कि अब तक जो FM पेपर एनालिसिस पहले आते थे, क्या वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है या इंपॉर्टेंट नहीं है। तो मार्क्स के हिसाब से तो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ, सदियों से चले हुए आने वाले जो चैप्टर्स हैं आपके, वो आज भी आपके लिए वही रेलेवेंस रखते हैं। तो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कि कौन कौन से चैप्टर ऐसे हैं जो इस बार 110% आने के चांसेस हैं। तो एनालिसिस में मैंने यहाँ पर मई 2024 का एनालिसिस नहीं लिखा है, मैंने पूरा पेपर पैटर्न ही लिख दिया है आपको, कौन कौन से चैप्टर से आया था, मार्क्स कितने कितने आए थे, आपके पास क्वेश्चन पेपर होगा, अगर नहीं है तो मैं वो भी लिख देता हूँ यहाँ पर। FM पेपर का जो क्वेश्चन पेपर है FM पेपर, इसका जो रिव्यू था आपका, जो पहला क्वेश्चन आया था ये आपका पेपर था, थोड़ा सा ट्रिकी था, आप सभी जानते हैं, इसमें थोड़ा सा नहीं बहुत ट्रिकी था ये वाला पेपर। और जो पहला क्वेश्चन था वो 5 नंबर का था, दूसरा क्वेश्चन वो भी 5 नंबर का, और तीसरा क्वेश्चन वो भी 5 नंबर का, और टोटल मिला के हो गए आपके 15 मार्क्स का क्वेश्चन। 15 नंबर का क्वेश्चन जो आने वाला है वो आपका आने वाला है कंपलसरी क्वेश्चन, उसमें से कौन कौन से चैप्टर ऐसे हैं जिनमें से बार 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 मई 2018 से भी देखेंगे तो आप वही चैप्टर से इंस्टीट्यूट ज्यादातर पूछता है। फिर सेकंड क्वेश्चन जो जहां से शुरू होगा वो होगा 6 मार्क्स का, और बी पार्ट होगा 4 मार्क्स का। इसका मतलब 35 मार्क्स कैसे आने वाले हैं आपके, वो दिखाता हूं मैं आपको कि पेपर 35 मार्क्स का कैसे बनने वाला है। देखिए, जो पहला क्वेश्चन होगा आपका, वो तीनों क्वेश्चन होंगे आपके कितने मार्क्स के, 5-5 मार्क्स के, तो मतलब टोटल मिला के कितने का हो गया, ये पहला क्वेश्चन हो गया आपका 15 मार्क्स का, और इतना कंपलसरी आने ही आने वाला है। उसके बाद एक क्वेश्चन 6 नंबर का, एक क्वेश्चन 4 नंबर का, या 5 नंबर का, या 5 नंबर का, कैसा भी सीक्वेंस बना सकते हैं। मतलब उसके बाद जो आने वाले हैं वो 10-10 मार्क्स के आने वाले हैं, और सेकेंड थर्ड और फोर्थ, मतलब इनमें से आपको कोई 2 क्वेश्चन करने होते हैं जिसमें से लास्ट वाला क्वेश्चन थ्योरी का आना ही आना है। अगर आपकी किस्मत अच्छी रही तो इस बार आपको ABSC पार्ट में से किसी में से प्रैक्टिकल भी देखने को मिल सकता है। अब मैं आता हूं कि मुझे क्या लगता है कि पहले वाले क्वेश्चन में कौन कौन से क्वेश्चन, कौन कौन से चैप्टर से आने वाले हैं। तो देखिए जरा, मई 2018 से आते हैं। मई 2018 से अगर आप देखोगे तो कैपिटल स्ट्रक्चर, लेवरेज रेशियो, कैपिटल स्ट्रक्चर, बहुत, देखो मैं आपको दिखाता हूं लास्ट वाला एनालिसिस। लास्ट वाले एनालिसिस में देखो क्या हुआ था।
अगर आप लेटेस्ट पेपर देखेंगे नवंबर 2023 का, तो उसमें पहले वाले क्वेश्चन में चार पार्ट आते थे, अब पहले वाले क्वेश्चन में तीन पार्ट आते हैं। लेकिन मैं आपको चैप्टर दिखाता हूं, देखिए रेशियो चैप्टर है, रेशियो चैप्टर है, लिवरेज चैप्टर है, लिवरेज चैप्टर है, यहां वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट है, और ये वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट का ही पार्ट होता है डेटर्स मैनेजमेंट, वो पूछा गया है। उससे अगर मैं पहले आ जाऊं तो क्या उसमें भी डिविडेंड का क्वेश्चन देखिए, इस बार डिविडेंड के क्वेश्चन आने के चांसेस है। जैसा मैं आपको बता दूं, डेटर्स मैनेजमेंट और आपका लिवरेज, तो ये कुछ ऐसे चैप्टर होते हैं जो आपके फर्स्ट क्वेश्चन का पार्ट बनने के लिए आइडियल होते हैं। तो अगर आप मुझसे पूछेंगे कि सर थोड़ा सा अपना स्पेकुलेशन बताइए कि इस बार सितंबर 2024 में कौन से चैप्टर्स आने के फर्स्ट, जिसमें हमारे पास ऑप्शन ही नहीं होता, वो ज्यादा चांसेस होते हैं, तो मैं आपको बताता हूं इस बार कौन कौन से, मुझे जो लगता है वो बताता हूं मैं आपको। मुझे जो लगता है वो आपका डिविडेंड वाला पार्ट आपसे यहां से पूछा जा सकता है। पहली चीज, रेशियो तो सदियों से चला हुआ आ रहा है, वो यहां से आपसे पूछा ही पूछा जाएगा, ठीक है। और कौन सा चैप्टर आपसे पूछा जाता है वो बताता हूं मैं आपको, डेटर्स मैनेजमेंट हो गया, और आपका कैपिटल स्ट्रक्चर से क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा जहां तक मुझे लगता है, कैपिटल स्ट्रक्चर और एक वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। बस ये चार चैप्टर ऐसे हैं आपके, जिसमें से आपको ध्यान रखिएगा सितंबर का पेपर होने के बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि आप इस चैप्टर को, वर्किंग कैपिटल का मैनेजमेंट का मतलब डेटर्स मैनेजमेंट और आपका कैश मैनेजमेंट, ये सब आता है, तो वो आप थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिएगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि इन चार चैप्टर से क्वेश्चन आपके एग्जाम में फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो आने वाला है, और अगर आप फर्स्ट का पार्ट कोई छोड़ दे तो आपको पता है 35 में से आप पेपर छोड़ रहे हैं। तो ये मेरी स्पेकुलेशन है पहला। दूसरी स्पेकुलेशन क्या है मेरी, इस बार के पेपर में वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट के एस्टिमेशन का क्वेश्चन नहीं आया है, तो जहां तक मैं श्योर हूं आप वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट बिल्कुल मत छोड़ के जाइएगा। पूरी फुल फ्लेज्ड वीडियो अलोंग विद क्वेश्चन मैंने आपको नंबर दिया है, व्हाट्सएप करिएगा, आपको उस पर प्रोवाइड कर दी जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट। और एक आपका चैप्टर रहता है इन्वेस्टमेंट डिसीजन का, जो कि काफी सारे बच्चों को सरदर्दी देता है। तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन, दो चैप्टर ऐसे हैं आपके, इन्वेस्टमेंट डिसीजन और वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, ये दोनों आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दे दिए जाएंगे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के साथ। मतलब अलग से भी वीडियो मिल जाएगी आपको और प्रैक्टिस क्वेश्चंस की भी वीडियो काफी सारी मिल जाएंगी आपको। तो जो इन चैप्टर्स हैं इनका बेनिफिट जरूर 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 उठाइएगा। और जिन बच्चों का मई 2024 में नेगेटिव रिजल्ट रहा है, मैंने आपको पहले ही बता दिया है, आप मुझे व्हाट्सएप करेंगे जो जो तरीका मैंने आपको बताया उसके साथ, तो मैं आपकी काफी सारी हेल्प, और ध्यान रखना फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, एफएम वाले बच्चों से एक रुपया भी नहीं लिया जाएगा, इस बात की गारंटी है। और आपको इसका मतलब ट्राई करके भी देख सकते हैं। फिर आते हैं सर, अगर हमें फुल फ्लेज तैयारी करनी है, क्योंकि अगर ग्रुप टू में आपको पास होना, और कई सारे बच्चे ग्रुप टू में अटके हुए हैं, तो अगर आपको ग्रुप टू में पास होना है तो सर तीन पेपर होते हैं आपके, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, दूसरा पेपर होता है आपका कॉस्ट वाला, और तीसरा पेपर मतलब ऑडिट वाला, तीन पेपर होते हैं आपके। तो अगर आप कॉस्ट में और एफएम में एग्जेम्पशन टारगेट नहीं कर रहे हैं, तो मान के चलिए कि आप इंडिविजुअली भी पास हो जाएंगे तब भी आपका एग्रीगेट नहीं निकलेगा। ये थोड़ी सी हार्श रियलिटी है जो आपको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। तो आपको दो पेपर, ऑडिट बहुत ज्यादा अच्छा है आपको, ऑडिट में एग्जेम्पशन के लिए सोच रहे तो एक अच्छी बात है, लेकिन अगर आपको ऑडिट बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि एफएम में कोई भी क्वेश्चन मत छोड़िएगा। और अगर आप बोलोगे कि सर एफएम के लिए एमसीक्यूज लेके आइए, तो मैं कम से कम 100 से 150 एमसीक्यूज आपको इसी चैनल पर करवाऊंगा। तो आपको उसके लिए क्या करना है, आपको उसके लिए वीडियो को लाइक करना है और अपना एक वैल्यूएबल कमेंट शेयर करना है, जिसमें आप बताएंगे मुझे कि आपको एमसीक्यू वीडियो चाहिए या नहीं चाहिए, जिसमें से 100 से 150 एमसीक्यूज मैं आपके लिए लेके आऊंगा, जैसा क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। और ऐसा क्वेश्चन भी जो पहला क्वेश्चन आता है जिसके पार्ट एमसीक्यूज पूछे जाते हैं, ऐसे भी कई सारे क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आऊंगा एमसीक्यूज के लिए। तो आपको उसके लिए कुछ नहीं करना है, वीडियो को लाइक करना है और उसके अंदर कमेंट करना है। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी तक सब्सक्राइब कर लीजिएगा प्लीज। तो हम चलते हैं आगे। देखिए, अगर आप फुल फ्लेज तैयारी करना चाहते हैं कि सर नहीं अब बहुत हो गया, अब तो हमें एफएम करना ही है, तो जितने क्वेश्चंस मैंने यहां पर लिखे हैं आप उतने क्वेश्चन हाथ से प्रैक्टिस करके जाएंगे, और कोई भी टॉपिक आपका इस बार सितंबर 2024 में बाहर नहीं आने वाला है, मैं साइन करके दे सकता हूं इस चीज को। तो अगर आप आते हैं इन्वेस्टमेंट डिसीजन में, तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन का मैं जहां जिस चैप्टर पे स्टार लगा दूं, आप मान के चलिएगा कि स्टार वर्ड का मतलब मेरी साइड से यह है कि वो इस बार के अटेम्प्ट में आपके लिए आने ही आने वाला है, डिस्क्रिप्टिव वाले पार्ट में। तो आप इन्वेस्टमेंट डिसीजन पे मैंने स्टार लगा दिया है, इसे आप फर्स्ट के ए पार्ट में भी कंसिडर कर सकते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन में से भी छोटा क्वेश्चन वो आपको बना के दे सकते हैं। नेक्स्ट लिवरेज को, नेक्स्ट वर्किंग कैपिटल को, ये तीन चैप्टर ऐसे हैं जिसमें से आपको एटलीस्ट, मैं देखो अभी बना के दे देता हूं आपको, एटलीस्ट 15 मार्क्स का पेपर आउट ऑफ 35 आपको यहां से देखने को मिल जाएगा, ये मेरी गारंटी है। तो जो भी बच्चे कम समय में रिवाइज करना चाहते हैं, ये तीन चैप्टर हैं, ये जो क्वेश्चन नंबर है और ये टॉपिक नंबर है, ये आपके स्टडी मटेरियल से हैं। जब भी आप एफएम की तैयारी करने बैठे, आप वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, इन्वेस्टमेंट डिसीजन और लिवरेज को सबसे पहले उठाएंगे, क्योंकि पेपर आपका इसमें से 110% आएगा। फिर आता हूं मैं बाकी के चैप्टर पर, इसमें टॉपिक कौन कौन से होते हैं आपको दिख गए, टेक्निक्स के, एमआईआर के, आईआरआर के, स्पेशल केस कौन से हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन से हैं, कंबाइंड हर एक स्टडी मटेरियल, आईसीआई के स्टडी मटेरियल से
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर इलस्ट्रेशन और प्रैक्टिकल डाल दिए और आपको आसानी से आपको मिल जाएंगे, इधर उधर कहीं नहीं ढूंढना पड़ेगा। फिर आते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल में, इस पर भी स्टार लगा रहा हूं आपका, कॉस्ट ऑफ कैपिटल बड़ा क्वेश्चन इससे आने के चांसेस है, तो ध्यान रखिएगा कॉस्ट ऑफ कैपिटल से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फिर ये डेटर्स मैनेजमेंट है, डिविडेंड डिसीजन पे ऑलरेडी इंपॉर्टेंट लगा रखा है मैंने, ये लास्ट टाइम आपके डिस्क्रिप्टिव में आए, तो हो सकता है डिस्क्रिप्टिव में ना आके ये ए पार्ट में आपसे पूछ लिया जाए। बाकी अदर्स हैं रेशियो, कैश मैनेजमेंट, इन्वेंटरी मैनेजमेंट, इनमें से आपको रेशियो क्वेश्चन तो पक्का पक्का आपको दिखने ही वाला है, ध्यान रखिएगा आप, ये आपके फर्स्ट क्वेश्चन के पार्ट में आने वाला है। तो मेरे कुछ ये इंपॉर्टेंट है, डेटर्स मैनेजमेंट आपके एग्जाम में ऑलरेडी आ चुका है, मुझे नहीं लगता फैक्टरिंग वाला टॉपिक आया था, देखो जरा ध्यान से आ जाते हैं हम, मैंने यहां पर एक टॉपिक लिखा था आपका आर्बिट्रेज प्रोसेस, देखो लास्ट टाइम, और मैंने इस पे स्टार भी लगाया था, और अगर आपका पेपर देखेंगे आप तो उसमें आर्बिट्रेज प्रोसेस आया था आपके पेपर में, लिवर्ड से लेके अनलिवर्ड फॉर्म में और अनलिवर्ड से लेके लिवर्ड फॉर्म में, और आई होप आपने वो क्वेश्चन किया होगा। बाकी एमएमओ अप्रोच वाले की क्वेश्चन और ईबीआईटी ईपीएस एनालिसिस के क्वेश्चन हर बार के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, तो मेरे हिसाब से आपको ये पीडीएफ जो है इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, इसके लिए कुछ मैसेज करने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आप चाहते हैं कि सर अब हमें एफएम के लिए तैयारी करनी है और मई 2024 में आपका नेगेटिव रिजल्ट रहा था, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है आप जो जो चीज़ें मैं प्रोवाइड करूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट उसका फायदा जरूर उठाइएगा। आपको कुछ नहीं करना, मैसेज करना है, आपने चैनल को सब्सक्राइब लाइक किया हुआ है इस वीडियो को और कमेंट किया हुआ है उसका स्क्रीनशॉट भेजिएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको बहुत सारी प्रैक्टिस वीडियोज़ मैं आपको दूंगा और आपको मजा आ जाएगा। थैंक यू सो मच, मिलता हूँ किसी अगली इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ।